नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 12/7/2021 हम लोग थर्ड चैप्टर कर रहे हैं मैथ्स में। एट स्टैंडर्ड का ये के लिए ये वीडियो बन रहा है। मैथ्स थर्ड चैप्टर हम लोग कर रहे थे जिसका नाम है घातांक तथा घनमूल। थर्ड चैप्टर घातांक तथा घनमूल कर रहे थे हम लोग, और प्रश्न संग्रह 3.2 चल रहा था। पिछले वीडियो में हम लोग ने टेबल कैसे लिखना है ये मैंने बताया था आपको, कि कैसे संख्या घातांक के रूप में दी हुई है। तो यहाँ पर देखो, पहले मूल लिखना है, फिर घात लिखना था, उसके बाद ये वाले कॉलम में पहले घात था फिर मूल था। तो ये आपको मैंने समझा दिया था पिछली बार। अब हम लोग सेकेंड वाला चलते हैं, परिमेय घातांक स्वरूप में व्यक्त करिए। यानी ठीक इसका उल्टा करना है। अब यहाँ घातांक स्वरूप में दिया था और हमें इसे मूल या मूल और घात के रूप में लिखना था। अब यहाँ पे कैसा है कि घात और मूल, कहीं कहीं मूल और घात दिया है, कहीं घात और मूल दिया है, तो दोनों टाइप का मिक्सअप यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर जो हम कर रहे थे, लेकिन इसे घात के रूप में बदलना है। तो पहला सवाल ही देख लीजिए क्या दिया है, 121 के पांचवे घात का वर्गमूल दूसरे का पहला। 121 के पांचवे घात का वर्गमूल, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ 121 है तो 121 आपको लिखना है। फिर क्या दिया है, पांचवा घात दिया है, पांचवा घात, एक सेकेंड, ये पीछे का सवाल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मैं जरा फिर से इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग रुक गई थी। आ गया, क्लियर आ गया, आ गया। 121 के पांचवे घात का वर्गमूल, तो घात जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है, मूल जो होता है वो हमेशा नीचे होता है, हर में होता है। तो पांचवा घात है इसलिए पांच अंश में चला जाएगा, वर्ग मूल है, वर्ग यानी दो, दो मूल है, तो दो मूल है इसलिए दो नीचे हर में आ जाएगा। माइक बंद करो बेटा, आपका माइक बंद करो। 324 के चौथे मूल का घन, तो 324 ऐसे ही लिखना है, चौथा मूल, तो ये नीचे चार आ जाएगा क्योंकि मूल चार है, घन का मतलब घात तीन, तो घात तीन है इसलिए तीन ऊपर चला गया, जो घात होता है वो हमेशा ऊपर जाता है। अगला सवाल है कि 264 के वर्ग का पांचवा मूल, 264 के वर्ग का पांचवा मूल, आवाज नहीं आ रहा है, एक सेकंड, अब आ रहा है आवाज, आवाज आ रहा है बेटा मेरा, रिकॉर्डिंग चालू। 264 के वर्ग का पांचवा मूल, ये सवाल है। तो 264 आपको वैसे ही लिखना है, इसका वर्ग, वर्ग यानी घाते दो, वर्ग का मतलब होता है दो घात, घात दो, तो दो घात है इसलिए दो ऊपर चला जाएगा, पांचवा मूल है तो पांच नीचे आ जाएगा। समझे, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, चलिए चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है तीन के घनमूल का घन, तीन के घनमूल का घन, तो यहाँ तीन है तो तीन वैसे ही लिखना है, बटे का निशान। घन मूल का मतलब, घन का मतलब होता है तीन, तो तीन यहाँ मूल है, तीन यहाँ मूल है तो इसलिए तीन नीचे चला जाएगा, और घन का मतलब होता है घाते तीन, घन का मतलब तीन ही होता है और घात तीन, तो घन का मतलब घाते तीन, तो इसलिए तीन चला गया।
घन मूल का मतलब तीन मूल, तीसरा मूल। घन का मतलब घाते तीन, तो घात में भी तीन है, मूल में भी तीन है, तो ये 3/3 ही आ जाएगा। ऊपर भी तीन, नीचे भी तीन, ऐसा आ जाएगा। ओके यहाँ पर प्रश्न संग्रह 3.2 यहाँ समाप्त होता है। फिर प्रश्न संग्रह 3.3 है, प्रश्न संग्रह 3.3 कर लें क्या? फिर उसके बाद 2.3 देखते हैं जो छूट गया है। हाँ ओके ठीक है बेटा, तो चलो प्रश्न संग्रह 3.3 शुरू करते हैं। 3.3 में क्या करना है? घनमूल ज्ञात करने सीखना है। घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे 216 का घनमूल है, तो करना क्या है, 216 का अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे यहाँ 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 हुआ, उसके बाद घनमूल लेना है। एक मिनट बेटा थोड़ा रुक जाओ। तो कैसे किया फिर से समझा रहा हूं। 216 का घनमूल लेना है, तो सबसे पहले 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे किया जाता है ये मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको जब सवाल करूंगा। तो उसके बाद जो नंबर 3 बार आ रहा है उसका, उसे 1 बार लिख दो। जैसे 2 यहाँ 3 बार आ रहा है, तो उसको 1 बार 2 लिख दिया। फिर गुणे 3 भी देखो 2 3 बार आ रहा है, तो उसको भी 1 बार लिख दिया। तो 2 तिहाई 6 हो गया, इसलिए आंसर आ जाएगा 6। तो 216 का घनमूल 6, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। 216 का घनमूल 6, उदाहरण समझ गए। उदाहरण नंबर 2 देखिए, −1331 का घनमूल ज्ञात करना है। तो −1331 का ज्ञात करना है, तो माइनस एक बार हटा दो, माइनस बाद में लगा देंगे। 1331 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अब देखो ये 11 11 11 तीन बार आ रहा है, तो इसलिए 11 एक बार ही लिखना पड़ेगा। 11 एक बार लिख दिया, 11 तीन बार आया, तो इसका मतलब 11 एक बार हो गया। तो 11 तीन बार है, इसलिए उसे 11 घाते 3 लिख सकते हैं। अब इसको आप माइनस अगर लगाते हो, हमने माइनस निकाल दिया था, माइनस वापस लगा रहा हूँ, तो हर एक 11 पे माइनस लग जाएगा। यानी ये हो गया, ये जो 11 क्यूब है ये हो गया −11 क्यूब। मैं क्यूब कह रहा हूँ, घन बोलो या क्यूब बोलो, घन को ही इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो मैं क्यूब कह रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होइए। हिंदी में घन कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। आप देखो घनमूल कैसे हो जाएगा, इसको कैसे पढ़ेंगे, −1331 का घनमूल कितना आ गया, −11 आ गया। उदाहरण समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया बेटा वो लोग भी बोला करो, ऐसा नहीं कि 2 लोग ने यस सर बोल दिया तो फिर सबको। चलिए आगे चलते हैं। 1728 का घनमूल निकालना है, तो सबसे पहला काम 1728 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब देखो यहाँ ये 2 3 बार आ रहा है, इसलिए 2 1 बार आ जाएगा, −3। 6 3 बार आ रहा है, 1 बार लिखा, −3। इसका मतलब है 2 × 6 = 3 हो गया। घनमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 6 हो गया, घनमूल लेंगे तो ऊपर घन निकल जाता है, तो इसलिए 1728 का घनमूल 2 × 6 यानी 12 आ गया। ओके अगर ये माइनस में होता, अगर ये माइनस में होता तो ये आंसर माइनस में आता। चौथा उदाहरण देखते हैं। घनमूल ज्ञात करना है, थर्ड रूट यहां 3 लिखा है, मतलब घनमूल ज्ञात कर रहा है किसका, 0.125 का। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 0.1
0.125 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 125 डिवाइड बाय 1000। 1000 क्यों, यहाँ देखो दशमलव के बाद तीन अंक है ना, इसलिए ये तीन जीरो लग जाएगा। अगर यहाँ 100 दो अंक होता तो 100 लिखते, दो जीरो लगता। जितना यहां पर अंक होंगे दशमलव के बाद उतना ही यहां जीरो होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो 125 मतलब होता है 5 × 5 × 5, 5 × 3, और 1000 का मतलब 10 × 10 × 10 यानी 10 × 3। अब हम घनमूल ले रहे हैं इसलिए 3 चला जाएगा तो 5/10 बचेगा। 5/10 का मतलब हो गया 0.5। नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो 0.125 है, इसको 125/1000 लिख सकते हैं। ये समझा है कि नहीं, ठीक है। तो 125 का मतलब होता है 5/3, ये समझा कि नहीं। हाँ समझी, तो और 1000 का मतलब होता है 10/3, ये भी समझा। हाँ फिर अब 5/3 है, घनमूल लेंगे तो 5 ही आएगा, 10/3 है घनमूल लेंगे तो 10 आएगा, ये समझा कि नहीं। समझे बेटा ये? हाँ तो ये 5/10 हो गया। अब इस दशमलव में लिखेंगे तो 0.5 हो जाएगा। जैसे यहां 3 जीरो था तो 3 अंक के पीछे दशमलव, यहां 1 जीरो है तो 1 अंक के पीछे ही दशमलव लग जाएगा, 5 के पीछे दशमलव। आप 3.3 चालू करें, चलो 3.3 चालू करते हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर खत्म कर देते हैं ना, फिर शुरू करते हैं 2.3। कल करते हैं तो वो आपका बचा हुआ, ठीक है। तो बीच में नया चैप्टर आ जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जो एक चीज चल रहा है उसको ही कंटिन्यू करते हैं पहले। तो पहला क्या है, ये 8000 है, पहला है 8000, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो इसका घनमूल यानी ये हमें ये ऐसा लिखना है, 8000 का घनमूल यानी इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 × 1000, नहीं लिख सकते क्यों? 8000 × 8 करेंगे तो ये 8000 ही आएगा ना, है ना, ऐसा लिख सकते हैं आप। देखो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 यानी 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4 × 8, 8, माइक बंद करो बेटा, 8 यानी 2 × 2 × 2, और 1000 है तो 10 × 10 × 10, ठीक है। हाँ आप देखो मैंने क्या बोला था, घनमूल जब लेते हैं तो जो 3 बार होता है उसे 1 बार लिखते हैं, तो यहाँ 2 3 बार आ रहा है तो 1 बार आ गया। फिर 10, ये 10 भी देखो 3 बार है तो ये भी 1 बार आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा
सॉरी सॉरी 10 है ना, ये 10 10 तीन बार है इसलिए एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 20। समझे कि नहीं बेटा? ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, जब वेरी गुड, जब घनमूल लेते हैं तो ये चिन्ह निकल जाता है घाते करणी का। तो ऐसे ही बाकी के भी करने हैं। अभी दूसरा दूसरा लेक्चर भी है, तो मैं यहीं पर लेक्चर खत्म करता हूँ। आप लोग बाकी जो है ट्राई करना, ठीक है? कितने लोग अटेंड लेक्चर कितने लोग अटेंड किए, पहले देखो कितने लोग हैं लेक्चर, कितने लोग ने 14, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहीं पे लेक्चर बंद करता हूँ। ओके बाय। ये 3.3 सॉल्व करना आप लोग।